हेलो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं बांसजालिया और इधर मंदिर के हम आपको मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। ये नदी के पास में है भोलेनाथ का मंदिर। देखिए कितना है बड़ा, ये काफ़ी सालों से पुराना है। ये देखो भावेश भाई की लड़की छोटी सीढ़ियाँ चढ़ रही है, सबसे आगे है दर्शन करने में। देखिए ये चढ़ रही है, देखिए चढ़ गई ना अकेले। तो ये देखिए अंदर का व्यू ऐसा है। ये मंदिर नदी के पास में, ये छोटे बच्चे भी इधर खेल रहे हैं। और देखिए ये बाहर का ग्राउंड, और गांव के पास में ये आ गए हमारे ब्राह्मण देवता। देखो ये है हमारे इधर के ब्राह्मण, और ये देखो छोटी बच्ची भी भगवान दौड़ रही है इधर। तो चलो आगे चलते हैं। देखिए ये काफ़ी सुंदर मंदिर है, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। इधर लोग आके बैठे हुए हैं, कैमरा क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क आएगा। तो देखिए ये शंकर जी का मंदिर है भोलेनाथ का, वो सामने दिख रहे। तो चलो आगे चलते हैं। देखिए ये आपको मैं साइड का व्यू दिखा देता हूँ। और ये देखो ये राज भाई की लड़की ने कान खींच लिया कान खींच लिया। और देखो ये ऊपर यार दिखाता हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग है। देखिए देखिए एक के बाद एक सभी ज्योतिर्लिंग है, तो आप भी इसके दर्शन कर लीजिए। देखिए कितनी मस्त डिजाइन बनाई है, काफ़ी अच्छा मंदिर बना है, तो मैंने सोचा आपको भी ये दिखा दूँ। तो ये देखिए अब आ गया महादेव का मंदिर। देखिए सामने भोलेनाथ जी विराजमान है, साउंड मस्त चल रहा है, श्रृंगार हो चुका है, ये हनुमान जी की प्रतिमा। देखिए वो तोरण भी लगे हुए, ये है गणपति बापा। और देखिए राज भाई की लड़की दर्शन करेंगे। और देखिए ये महाकाल हमारे शिव जी भोलेनाथ, जो चाहे बुला लो, इसके दर्शन कर लो। ये देखिए काफ़ी सालों से इधर ये मंदिर पुराना है, ये वांसगालिया गांव में नदी के पास में ये मंदिर बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और देखिए इसका ये सावन माह से तो काफ़ी अच्छा श्रृंगार भी हुआ है इसका। देखिए पांच ऊपर जलाभिषेक हो रहा है, काफ़ी सारे फूल भी चढ़ाए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा श्रृंगार भोलेनाथ जी का किया है। देखिए ये ऊपर ओम है, और देखो ये ऊपर सब छत भी काफ़ी जर्जरित हो चुकी है, काफ़ी सालों से ऐसा मंदिर है। देखिए अभी आरती करनी बाकी है, तो अभी ब्राह्मण जी आए थे, वो थोड़ी देर के बाद आएंगे। ये माता का मंदिर है पास में ही, इसके भी दर्शन कर लीजिए। जय हो माता जी बोल दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर भोले। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि आप लाइक शेयर और कमेंट करते हो तो हमें उससे मोटिवेशन मिलता है और हम और आगे ऐसे वीडियो बनाने जाते रहते हैं। ये है काल भैरव मंदिर, तो ये भी काफ़ी सालों से पुराना है। ये है गायत्री माता का मंदिर, तो इसके भी दर्शन कर लीजिएगा। ऊपर मंत्र भी लिखा हुआ है, ओम भूर्भुवस्वः को लिखा हुआ था, तो ये लिखिए गायत्री माता का मंदिर, इसके दर्शन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा मंदिर है। और ये आ गया हमारा श्री राम जी का मंदिर, सभी मंदिर पास में ही है। देखिए कितनी अच्छी प्रतिमा है, कितनी अच्छा मंदिर बना है। ये देखिए हमारे हनुमान जी भी विराजमान है।
काफ़ी बड़ा बढ़िया और अच्छा मंदिर है। देखिए ये हिंगराज माता का मंदिर है। आपने कभी इतने सारे मंदिर एक ही साथ नहीं देखे होंगे, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। तो देखिए ये एक मंदिर के अंदर ही सभी ये मंदिर है, तो इसके भी दर्शन कर लीजिए। हिंगराज माता जी का मंदिर है। देखिए ये साइड में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। देखिए कितना अच्छा है। ये रात को शूटिंग हो रही है, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कैमरा की क्वालिटी में। देखिए ये काफ़ी बढ़िया फूल आए हुए, इधर पानी का है और देखिए पास में ही ये नदी बह रही है। देखिए कितनी बढ़िया नदी बह रही है। ये तो हम लोग इधर दर्शन करने आए हैं, आप जाओ कभी वंश दलिया से गुजरो तो इधर दर्शन करने ज़रूर जाना, काफ़ी अच्छा मंदिर है। तो हम लोग इधर दर्शन करने आए थे, तो ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया। देखिए मंदिर का आगे का ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेल सकते हैं। देखिए ये छोटी बच्ची हमारी, इधर देखिए बाहर निकल चुके हम, अब बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये बाहर का व्यू है, देख लीजिए ये बाहर से ऐसा दिखता है। पास में एक और मंदिर था, तो मैंने सोचा चलो आपको उसके भी आज दर्शन करवा देता हूँ। तो आपका तो सोने पे सुहागा हो गया। देखिए ये है हनुमान जी का मंदिर, तो बोल दीजिए जय हनुमान जी, जय श्री राम। तो देखिए ये इधर बच्चे दर्शन कर रहे, सामने हनुमान जी है विराजमान है, काफ़ी अच्छा है मंदिर। ये भी कई सालों से पुराना मंदिर है, तो इधर भी दर्शन कर लेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।